वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक हेल्प एंड टिप्स। तो आज बात करें, लोगों के पीछे इतना मत भागो कि वो आपकी वैल्यू ना करे, आपकी कदर ना करे। बट क्या होता है इन रिलेशन, हम पार्टनर के पीछे बहुत ज्यादा ही भागते हैं, उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा फिकर करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट रियली में क्या होता है उसका, हमें क्या होता है उसका रिवर्ट अलग क्या हो जाता है कि आप जितना उसकी वैल्यू करते हो, प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उतना पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको वैल्यू मतलब एक इज्जत नहीं करता आपकी, ना आपसे प्यार करता ना आपको इंपॉर्टेंस देता है। तो मेरा कहने का मतलब है आप इतना भागते क्यों हो, और मैं आपको इसका रीजन बताऊँ, आप जितना पीछे भागोगे लोगे लोग उतना आपसे दूर भागेंगे। तो पहले से याद रखना, आप जितना किसके पीछे भागोगे ना वो आपसे उतना ज्यादा दूर भागेगा। तो एक जो लिमिट होता है हम उसको क्रॉस कर देते हैं रिलेशन, हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा ही पार्टनर के पीछे ऐसे होने लगते हैं कि पार्टनर कुछ क्या पार्टनर का लगता है कि आप वेले हो, आप कुछ काम धंधे, आप बस पीछे पड़ो, उसको पता है कि आप पीछे भागोगे, कुछ भी हो जाए आप ही झुकोगे, आप ही गिरोगे, आप ही रोगे, आप ही मनाओगे, उसको सब कुछ पता है आपके बारे में। तो वो आपको इतना सेल्फिश समझ लेता है ना कि मतलब की बंदी का कुछ नहीं है, बंदे का कुछ नहीं है, मेरे पीछे ही आने वाली है, मेरे पीछे ही आने वाला है। तो ये क्या सबसे पहले मतलब आपको ऐसा कहीं फील होता है ना कि पार्टनर आपको कुछ भी रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं कर रहा और आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना है। बिकॉज क्यों, जितना भागोगे वो आपसे उतना ज्यादा दूर भागेगा। सेकंड चीज है, उस चीजों की वजह से आप जो आपकी वैल्यू है वो आप पूरी डाउन कर देते हैं रिलेशन। क्या होता है पता, आपकी वैल्यू इतनी डाउन हो जाती है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बोलने रहने ना रहने से, कॉल आना मैसेज आना कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो याद रखना क्यों पता है, क्योंकि आपने वैसा अपने रिलेशन में आपका वैल्यू मेंटेन नहीं किया, उसको डाउन कर दिया। तो आपको सेकंड चीज की, आपको अपना वैल्यू जो आपने डाउन किया उसको, आपको वैल्यू को डाउन नहीं करना पार्टनर के पीछे। आपको ज्यादा नहीं, हर किसी को कोई भी रिलेशन हो हद से ज्यादा मत करो, एक लिमिटेड है, मनाओ हद से ज्यादा मत मनाओ, कॉल करो पर हद से ज्यादा खुद ही मत करो, झुको पर हद से ज्यादा उस रिलेशन को बचाने के लिए मत झुको, मनाओ पर हद से ज्यादा मत मनाओ, भागो पर हद से ज्यादा मत भागो। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा करोगे तो वो आपको ही तकलीफ देने वाली। वैसे इन रिलेशन भी हम जितना भागते हैं पार्टनर के पीछे, जितना करते वो सब चीज हमें ही भारी पड़ती है। तो हमारा जो वैल्यू होता है वो मेंटेन जो पूरा खराब कर देते, डाउन कर देते इसी चीज की वजह से, क्योंकि हम पार्टनर को ऐसा जताते कि भाई तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, और पार्टनर को रियलिटी में ऐसे लगता है कि आप भी कुछ नहीं, जो सब आप उसके ऊपर डिपेंडेबल हो चुके हो। तो आपको ऐसा फील नहीं कराना पार्टनर को, आपको फील कराना है कि आप वो रहे ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा पार्टनर सोचना वैसा आपको जताना है। बट हम क्या, हम तो पागल जैसे उसके पीछे जो बोल रही है, जो बोल रहा है आप वही कर रहे, वैसा नहीं करना। जो बंदा आपसे प्यार करता है आप उससे प्यार नहीं करते, उसके पीछे नहीं भागते जो हमारे से प्यार कर रहा है। सेम ऐसा होता है कि कोई पर्सन हमसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है पर हम उससे भाग रहे हैं, तो कभी जो आपसे प्यार कर रहा है आपके पीछे भाग रहा है उसी पर्सन के पीछे आप भी भागो। क्योंकि देखो, जब इक्वल जैसा सेम रिलेशन होगा, सेम प्यार होगा, हर एक चीज एक जैसा होगा, तो ही आप आगे तक रिलेशन चल पाएगा। बट आप सिर्फ पर्सन के पीछे भाग रहे हो, वो पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे पर्सन के सामने मत भागो, पीछे मत भागो, उसको मत मनाओ, बार बार मत झुको, उस चीज की वजह से क्या होगा पता है, पार्टनर आपके आज का इन फ्यूचर भी कभी वैल्यू नहीं करेगा। तो ये चीज को अपने माइंड में नोट आउट कर देना कि इतना चीज आपको नहीं करना, खुद को इतना बनाना है ना कि पर्सन आपके पीछे भागे, आपको अपना इतना एटीट्यूड मेंटेन करना, अपना खुद को इतना मेंटेन करना है कि पर्सन आपके पीछे भागे। आप क्यों भाग रहे हो, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटियां नहीं है, आप लोग क्या सोचते हैं कि उसमें बहुत सी चीज, ऐसा नहीं करना। अरे खुद में ऐसी क्वालिटी लाओ कि पर्सन आपके लिए पीछे भागे, आपको मनाए, आपको सुनाए, हर एक चीज आपके पीछे बहुत ज्यादा करे, आपकी वैल्यू हद से ज्यादा करे, तब उस पर्सन की आप वैल्यू करो। बट आप क्या करो कि वन साइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि वन साइड आप कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को फर्क नहीं, तो आप वन साइड मत करो, वो लिमिटेड टाइम तक रहेगा, उसके बाद आपको सिर्फ तकलीफ भी मिलने वाली है। तो गाइस मेरा बोलने का मतलब यही था कि लोगों के पीछे भागो पर हद से ज्यादा मत भागो, क्योंकि जिसके पीछे आप ज्यादा भागोगे ना वो आपसे दूर भागेगा। तो जो आपसे प्यार करता है आपके पीछे भागता है, उसकी केयर करो, उसकी वैल्यू करो। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचते रहे। थैंक यू।